नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय राधे। कल हम निगम कल्पतरोर गलिदम फलम इसके आधार पर कुछ चर्चाएं की। आज उसी प्रसंग को आगे लेते हुए आज का जो कथा का भी प्रसंग है कि सर्ग वैसे पुराण का जो पंच लक्षण प्रसिद्ध है सर्ग प्रतिसर्ग कल्प मन्वंतर और वंशानुकथन ये सभी पुराणों के लिए। किंतु भागवत में जैसा आज आपने श्रवण किया ये 10 लक्षण बताया है। उसमें भी मेरे ध्यान में ऐसा है कि भागवत में 2 स्थान में कुछ परिवर्तन करके भी लक्षण किए हैं। उसका विस्तार ही पूरा भागवत महापुराण है। अब सृष्टि की बात क्यों करनी है ये एक प्रश्न होता है कि सृष्टि तो हमारे सामने है। अब सृष्टि कहां से आई है या कहां जाने वाली है ये जानकर वर्तमान में हमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कभी आई होगी करोड़ों साल पहले किसने भी बनाया होगा उससे अभी साक्षात हमारा कोई संबंध तो नहीं। और इतना तो पक्का है कि हम रहते रहते सृष्टि को कुछ होने वाले तो आगे क्या होगा ठीक है जो होगा दो देखेंगे इससे कोई साक्षात हमारा कोई प्रयोजन नहीं। फिर क्यों ये उपनिषदों में वेद में उपनिषदों में पुराणों में इतिहासों में जहां भी आप लेंगे हमारे जितने भी शास्त्र हैं सभी में सृष्टि का वर्णन आता है। अब ये एक रहस्य है क्यों सृष्टि को जानना है। कल जैसे हमने बताया आज व्यास जी से भी आपने सुना था वही कथा कि सबके कारण को जानेंगे
तो हमारी एक दृष्टि बने। सृष्टि का प्रयोजन स्वतः कुछ नहीं है, किंतु सृष्टि का मूल कारण क्या है जानने से हमारी दृष्टि बदल जाएगी। भगवत पाद शंकराचार्य जी वेदांत के बड़े महान विभूति, वे अपने भाष्य में स्पष्ट करते हैं, नहि सृष्ट्यादि प्रपंच प्रतिपिपातैषितः न तत्संबंधी कश्चित अर्थो विद्यते। ये सृष्ट्यादि प्रपंच का प्रतिपादन करना शास्त्र का इष्ट नहीं, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन आपको नहीं मिलता। फिर क्यों कहा? क्योंकि ये सृष्टि के मूल कारण यदि परमात्मा सिद्ध हो जाए, क्या है सृष्टि का ये मूल कारण, उपादान कारण, यदि परमात्मा सिद्ध हो जाए तो आपकी दृष्टि बदलेगी, सर्वत्र आप सहज ही परमात्मा को देख पाए। जैसे आज उदाहरण दिए थे, माटी का बना हुआ सब पात्र जो भी है उसका मूल कारण मिट्टी है, सुवर्ण का बना हुआ सुवर्ण है, ये दृष्टि। अब देखिए इससे कोई बदलाव नहीं होता, केवल आप अपने दृष्टि को बदलते हैं। इसके लिए शास्त्र का सारा प्रयत्न है। अब भागवत में भी देखेंगे कितने स्कंधों में इसके वर्णन है, कौन कब किसका जन्म हुआ, उसके बाद क्या क्या परिणाम हुए, उसमें भी आदि दैविक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि अर्थात हमारे शरीर इंद्रियों की सृष्टि, देवताओं के आदि दैविक भूराती लोगों की सृष्टि, भौतिक सृष्टि, सबका विस्तार से वर्णन होता है। क्योंकि वेद में एक शब्द आया है, इंद्रो माया भिपुरूप ईयते तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, इसका विस्तार है। ये वहां कहते हैं इंद्र यानी परमात्मा सबके पति, वो परमात्मा पुरु रूप ईयते अनेक रूप में प्रकट हो जाता है। क्यों प्रकट होता है, वहां कारण कहा, तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, भगवान स्वयं को दिखाना चाहते हैं कि मेरा ये स्वरूप है, सब सबके कारण रूप से आप मुझे जानिए, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं। अर्थात भगवान अपनी ही विभूति को प्रकट करने के लिए सृष्टि के रूप में, उपादान कारण के रूप में, निमित्त कारण के रूप में स्वयं ही प्रकट हो जाते। तदस्य रूपम प्रतिचक्षण आया, ये कितना अद्भुत है। और इतना ही नहीं, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि करके अपने से अलग नहीं रखते, क्योंकि भगवान ने सोचा मैं कहीं दूर बैठ करके शासन करूं तो हो सकता है गोलमाल होगा। अब जैसे शासक कहीं दूर रहते हैं तो होता ही है, कितने भी आप व्यवस्था रखो, कितने भी सीसी कैमरा रखो, लोग गोलमाल तो करते हैं। तो भगवान ने ये रास्ता नहीं सोचा कि ये कोई ऊपर स्वर्ग लोग में कहीं बैठेंगे आराम से और सृष्टि चलती रहेगी, ऐसा ही उन्होंने सृष्टि की रचना की। और तद सृष्ट्वा, सृष्टि करने के बाद तद अनुप्रवेश, उसी में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, जीव बन गए। अब देखिए यही तो सारी कला है,
जीव बन गया क्यों कहा, भगवान के रूप में क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसी रूप में यदि रहता तब तो संसार बनेगा ही। भगवान को जीव के रूप में ही प्रकट होना पड़ेगा। क्यों? नाम रूपे व्याकर वाणी, विभिन्न नाम रूपों की रचना करनी है। नाम रूपों की रचना तो जीव अपने अपने मन की भावना से रचना करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा, जीव के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो क्या होता है वहां, जीव के मन में जो जो है संस्कार वासना आदि जो जो है, उसी रूप में वो जगत को बना लेता है और उसका आस्वादन करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जगत को अलग अलग जानता है। और भगवान ने यह भी रखा अंत में, भगवान की सृष्टि में कोई समानता नहीं रखी, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अंदर मिले। आपके सामने एक पीपल का पेड़ है, उसमें लाखों पत्ते हैं। अब 10 पत्ते निकाल करके रख करके देखिए, 10ों में प्रत्येक में कुछ न कुछ भेद रहेगा, कुछ विशेषता रहेगी। कम से कम उसके एक नाड़ी अलग हो, उसके अंदर नाड़ी होती है ना, इसे यह है विचित्र, चित्र विचित्र सृष्टि करना है। ये कौन कर सकता है? बोलते जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तब हमको आनंद आता है। एक रूप में रहे ना, आनंद नहीं आएगा, बोर हो जाते हैं। हम सब में बदलाव चाहते हैं, वो भी निरंतर बदलाव चाहते हैं। हम वस्त्र तो कपड़ा आदि तो बदलते ही है, कपड़ा बदलते हैं, घर बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, भोजन बदलते हैं, प्रतिदिन एक जैसा भोजन बने, जैसे हमारे आश्रमों में होता है। अब साल भर आश्रम का भोजन करेंगे, आपको कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा, वही मसाला वही नमक, तो कोई कैसे आस्वादन करे? तो सब में परिवर्तन चाहिए। तो ये भगवान ने पहले ही जान लिया कि ऐसे परिवर्तन के बिना संसार नहीं चलने वाला। तो सबका परिवर्तन चाहिए, क्योंकि ये भगवान का ऐसे ही स्वभाव से बना। अब आज जो दूसरे विषय आपने सुना कि सृष्टि के पहले क्या था, अब सृष्टि का प्रयोजन हमने बताया क्या है, कि भगवान अपने ही रूप को अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं और इस आश्चर्य को देख करके आप चिंतन करेंगे, आश्चर्यवत् पश्चदि कश्चिदेनम्, चिंतन करेंगे कि ये आश्चर्य जगत को बनाया किसने। हम एक भवन देख करके चिंतन करते हैं, इतना सुंदर भवन किसने बनाया, इसका नक्शा बनाने वाला कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, चिंतन करते हैं कि नहीं करते? तब आप देखिए कि इतने सुंदर बने हुए ये जो जगत है, इसमें जो विभिन्नताएं हैं और इतने व्यवस्थित, ये कोई सामान्य लोग कहते हैं ना कि जो नास्तिक चिंतन करते बोलते सब स्वभाव से हो जाता है, स्वभाव से हो गया। स्वभाव से कुछ नहीं होता है, स्वधा कुछ नहीं होता। क्या होता है, आप एक चीज दिखाइए कि जो स्वधा होता है, नहीं होता है। तो ये जो दिखाई पड़ता है इस जगत को देख करके, एक चिंतन करने वाले चिंतक के मन में ये विचार कभी ना कभी आएगा कि इसको कौन बनाया है, इसकी व्यवस्था कौन करते हैं। यही भगवान का उद्देश्य है, ये उद्देश्य रख करके भगवान ने वही मंत्र में कह रहे हैं, तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, मेरे ये रूप को, मेरे ये विभूति को, ये शक्ति को, मेरे ज्ञान को, सर्वज्ञता को, सर्वव्यापकता को लोग समझे। कितना सुंदर बना। अब देखिए एक फूल है, आप ये किसी में एक फूल निकाल करके आप देखिए,
कितने सुंदर पंखुड़ियां उसके कितने हिसाब से लगाया, ये क्या वो पौधा कर सकता है? उसका बसता है कि ऐसे गुलाब इतने सुंदर से बनाए, उसका कितना वेट होना चाहिए और कितने समय में वो फूलेगा और मुरछाना कब है? आप उसको तोड़ के अलग भी रखेंगे ना, वो अपने आप खिलता है। कारण क्या है? उसके दिमाग में पहले से डाल दिया। लोग बोलते उसको दिमाग नहीं है, ऐसे तो बोलते मन नहीं है बोलते, लेकिन अब विज्ञान ने सिद्ध किया है पौधों का घास का सबका मन है। हमारे यहां तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जीव माना गया है। ये घास भी जो ना स्तंभ कहते, छोटे छोटे जो घास होते, ये भी जीव ही है। इसके अंदर भी प्राण है, उसके अपने हिसाब से मन है। मन के बिना ये कर नहीं सकता। कितने बड़े इंजीनियरिंग है। अभी भी मनुष्य इतना बन गया, सब कुछ कर सकता है, उनके पास मोबाइल है, ये है, सब कुछ है, लेकिन ये फूल अपने ये फूल नहीं बना सकता। ये तो अब तक जो है भगवान ही बनाते हैं। तो इनके अंदर यदि ज्ञान नहीं दिया हो तो कैसे बनता है? तो एक बार आप सोच लीजिए, भगवान आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़े, आपके शरीर के अंदर बाहर सब ये। इसलिए आज कहा गया कि सृष्टि के पूर्व काल में नान्यत्किंचनमिषत, कुछ भी नहीं था, कोई चलायमान कुछ भी नहीं था, स्पंदनात्मक कुछ भी नहीं था। ऐतरेय उपनिषद में जो मंत्र है उसी का अर्थ है, जो श्लोक आया था, आत्मेव इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनमिषत स ऐक्षत लोकानुसृजायिति, ऐसा वाक्य। तो आत्मा एक एव पूर्व अग्र आसीत्, सबसे पहले आत्मा एकमात्र था। जिस आत्मा का लक्षण हमने विचार किया, क्या सच्चित आनंद, सच्चिदानंद भगवान एकमात्र, नान्यत् किंचन मिशत और कुछ भी नहीं। तो फिर बनाते कैसे, बनते कैसे? तो स्वयं ऐक्षता, वो स्वयं ही चिंतन किया, अर्थात चिंतन करने का शब्द प्रयोग किया। तो हमारे वेदांत में ऐसा नियम है, तुरंत माया को लाना चाहिए, सोपाधिक कहते हो। मैं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो शास्त्रीय जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनके अपने अलग अर्थ होते हैं, सरल भाषा से बोल रहा हूं। तो भगवान ईश्वर अपने माया के सहित कार्य करना शुरू करते हैं, तब चिंतन शुरू होता है। चिंतन का अर्थ है कि उन्होंने माया शक्ति को अपनाया, एक क्रियात्मक रूप में परिणत हो। मम माया दुरत्यया विष्णो माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, एक ही बात है भागवत में और गीता में। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरं, श्वेताश्वेत उपनिषद। तो उस माया शक्ति को जो अपने से अनन्य है, जैसे अग्नि है, आग है, आग में जो जलाने की शक्ति है, आग जलाती है, दाहिका शक्ति जिसको हम बोलते हैं, ये दाहिका शक्ति अग्नि से अन्य है कि अनन्य है, कहा नहीं जा सकता। तो अन्य भी है दिखता, अनन्य भी है। अग्नि के बिना दाहिका शक्ति नहीं, दाहिका शक्ति यदि ना हो तो अग्नि क्या? वो अन्य है, अनन्य है, कैसे प्रश्न आता है? क्योंकि अग्नि तो जल रही है, किंतु दाहिका शक्ति को रोका जा सकता है मंत्र के द्वारा,
मणि के द्वारा विशेष विद्या है। आजकल एक ड्रेस ही निकला है, विदेशों में भी है, अभी भारत में भी आ गया। वो कपड़ा पहन करके आप आग के अंदर से चल सकते हैं, आपके शरीर नहीं जलेगा। तो दाहिका शक्ति को वो रोक देता है। इसका मतलब दाहिका शक्ति अलग है, अग्नि तो जल रही है, अग्नि के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं लेकिन नहीं जला रही है। ऐसे ही भगवान की शक्ति अन्यत्वेन अनन्यत्वेन तत्व अन्यत्वेन अनिर्वचनीय रहती, एक रूप में रहती। ऐसे शक्ति जब हो जाते हैं तो भगवान सृष्टि करते हैं, और सृष्टि का विस्तार आप सुन ही रहे हैं, आप जानते ही। तो सृष्टि को इस प्रकार से विस्तार से सुनने से भगवान की विभूतियां शक्तियां हमको समझ में आती। हमारे अंदर जो शक्ति है ये बाहर के शक्ति से अनन्य है। जो भगवान ने लीलाएं की है ना, आप सोचेंगे केवल भगवान ही लीलाएं कर सकते, हम नहीं कर सकते। आप भी लीलाएं करते हैं, आपकी लीलाएं कोई कम नहीं है। लीलाएं प्रत्येक प्राणी करते हैं, प्रत्येक प्राणी के अंदर ये शक्ति है। छोटा बंदर को भी देखिए वो क्या क्या लीलाएं करते हैं। एक पक्षी उसको देखिए, लीलाएं अपने अपने ढंग की है। जब भगवान के विभूतियां लीलाएं हैं क्योंकि वो चमत्कार रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों किया भगवान ने, जब सामान्य व्यक्ति बनकर के अवतरित हुए तो उनको साधारण जैसे व्यवहार करना चाहिए था तो अच्छा होता, लोग और जुड़ जाते। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है चमत्कार को नमस्कार, थोड़ा तो चमत्कार दिखाना चाहिए। जैसे बाबाओं की बात आज हो रही थी, कोई सामान्य बाबा होंगे तो नहीं, हमारे यहाँ हिमालय में बहुत लोग आते हैं, आकर के सबसे पहले पूछते हैं कि बाबा जी यहाँ कोई चमत्कारी बाबा है, सिद्ध महात्मा ऐसे। तो हम कहते हैं भाई ये तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है, कौन सिद्ध है कौन सिद्ध नहीं है, आप ही जाके देखिए आपको कोई सिद्धि दिखाई पड़े तो। बात सही है, क्योंकि कुछ चमत्कार तो होनी चाहिए, नहीं तो क्या 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 विशेषता। इसलिए भगवान ने ये सारे चमत्कार आप दिखाए, और वो भी ऐसे कि धर्म के अनुसार नीति के अनुसार, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोजरः। चमत्कार भी यदि धर्म से विरुद्ध हो जाए तो उसको रोक देना चाहिए, धर्म के साथ होना चाहिए। तो भगवान ने ऐसे चमत्कार दिखाए, बहुत सारे चमत्कार हैं हमारे इसमें, भागवत पुराण में भी आप सुनेंगे। तो माया व्यामोह के चमत्कार, माया व्यामोह दिखाया, कायव्यूह एक चमत्कार का नाम है जो दो जगह भागवत में स्पष्ट दिखता है। एक तो गोपियों के साथ अनेक रूप में प्रकट होकर के अनेक शरीर बना करके भगवान रासलीला की, भगवान की रासलीला में वो प्रकट होता है, और द्वारका में भी सभी पत्नियों के साथ भगवान ने कायव्यूह सिद्धि का चमत्कार दिखाया वहां। और स्थाणु जीवनी नाम की जो चमत्कार है, ये आप परीक्षित के जो अंतिम समय है ये भगवान ने नहीं दिखाया। उस समय समय हो गया परीक्षित का, तक्षक परीक्षित को दंश करने जा रहा था, तो रास्ते में एक ब्राह्मण बालक मिलता है। तक्षक पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं, कहते हैं मैं परीक्षित के पास जा रहा हूं। परीक्षित को अभी तक्षक दंश करने वाले हैं, परीक्षित मर जाएगा, तो मैं उस परीक्षित को पुनर्जीवित कर। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ,
ऐसा चमत्कार, मैं तो मारने जा रहा हूं, ये तो जीवित करने जा रहे। तो तक्षक ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये करता क्या है। उनको पूछा क्या करता है, कि बोले तो जो मर जाता है उनको मैं पुनर्जीवित करता हूं, और यहां तक पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं उसको पुनः हरा भरा बना देता हूं, ये सिद्धि है मेरे पास। तो तक्षक ने कहा रुको रुको, मैं ऐसा करेंगे। तो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा था, तक्षक ने उसको भस्म किया, वो पेड़ को नष्ट किया, और उस ब्राह्मण बालक को कहा कि आप उसको पुनर्जीवित करो। तो तक्षक के सामने उसको पुनर्जीवित करता, पेड़ पुनः जीवित हो जाता है। तब तक्षक ने देखा कि एक बात सही है, ये तो वास्तव में यदि मैं जाके परीक्षित को मारूंगा तो वो शाप का फल तो हो जाएगा, मारना हो जाएगा, उसके बाद ये जीवित करेंगे। अब इनका उद्देश्य क्या है, जीवित करेंगे तो राजा है, दक्षिणा देंगे, धन संपत्ति सब देंगे, तो ये उद्देश्य से जा रहे हैं। तो तक्षक ने पूछा तुम्हें क्या मिलेगा राजा को जीवित करके। बोले कि वो तो राजा को जब जीवित करेंगे तो फिर क्या है कि रत्न वैढूर्य आदि बहुत सारे धन मिलेंगे। तो तक्षक सब धन इनको दे देता है, कहते हैं तो तुमको धन चाहिए, धन ले लो और वापस चलो। इस प्रकार की विद्याएं, और कल जो छाया ग्राहिणी विद्या, इसके बारे में कल बात की, हनुमान जी को छाया ग्राहिणी विद्या के द्वारा वो सिंहिनी पकड़ती है। तो ऐसी ऐसी विद्याएं, ये सब चमत्कार है, इनको विभूतियां कहते हैं। लेकिन भगवान की इतनी ही विभूति नहीं है, भगवान की विभूति तो गीता में भगवान सातवां अध्याय में, नवमा अध्याय में, दसवां अध्याय में विस्तार से विभूतियां बताए, जितने जितने चमत्कार है, जितने जितने अद्भुत है, यद्यद् विभूतिमस्सत्वं श्रीमदोर्जितमेव, सभी कुछ हमारे विभूतियां हैं। किंतु मैं आज आपको इसी संबंध में एक व्यावहारिक बात बताना चाहता हूं। ये तो सृष्टि की बात हो गई, जब हम सृष्टि के चिंतन करते हैं तो कोई अंध नहीं है। कोई अंध है क्या? सृष्टि में कितने हैं, क्या है, कोई अंध नहीं है। तो भगवान भी अपने विभूति को गिना के सुना नहीं सकते। तो इसलिए अंत में क्या कहा कि अर्जुन मेरे विभूतियों के बारे में कितने सुनेंगे। ऐसा है कि जहां भी कोई विशेषता दिखाई पड़े, यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, जो जो जहां जहां विभूति दिखाई पड़े, कुछ विशेषताएं दिखाई पड़े, वो मेरा अंश समझना। अब आप सोचेंगे कि ये तो गिने चुने में दिखाई पड़ता है, कुछ भी ऐसा नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, भगवान ने सभी को विभूति बनाया, क्योंकि सभी के अंदर कुछ विशेषता है। तस्कराणाम पदी भी उनको कहा, अब किसको छोड़ा। अब आप रुद्री देखेंगे, रुद्री में आश्चर्य होता है, सभी को लिया। ब्रह्म भाव का चिंतन कैसे करना चाहिए, ये आप उपनिषद का अध्ययन ना भी करते हैं, रुद्री पाठ करते हैं, यदि उसका सायण भाष्य का आप चिंतन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाए। शुक्ल यजुर्वेद में तो महीधर और उद्भट का भाष्य है। तो ये सारे विभूतियों को चिंतन, सभी में कुछ विशेषता है। चोर भी ऐसे सामान्य नहीं होते, अच्छे चोर बनने के लिए बहुत कुछ अभ्यास करना पड़ता, ट्रेनिंग होती है, उसके बिना आसान नहीं है चोरी। उसमें भी पीएचडी करते हैं लोग आजकल, तो सभी में पीएचडी करते हैं, चोरी में भी पीएचडी करते हैं, तो उसमें भी काफी प्रयत्न। तो भगवान ने कहा सबके अंदर में है। अब बात क्या है कि हमारे यहां जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, देवताओं की चर्चा करते हैं,
तो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे देवता हैं, किसको देवता नहीं माना, सबको देव मानते, भगवान मानते, कोई गिनती नहीं, नए नए भगवान बनते भी रहते, तो इसका कोई गणना है कि नहीं? आपने सुना तो होगा 33 करोड़ देवताएं, सुना है ना, सभी ने सुना। लोग इसी को लेकर के आक्षेप करते, ये 33 करोड़ देवता है क्या? और किसी को देवता बोलते हैं, किसी को भगवान भी बोलते हैं। आज थोड़ा शास्त्रीय ढंग से इसको समझाएंगे, क्योंकि अच्छा रहेगा। आप आगे तो बहुत सारे अवतारों के बारे में सुनेंगे, ये अवतार कैसे बनते हैं, इसका कोई शास्त्रीय गिनती है कि नहीं? अब ये 33 का हिसाब क्यों रखा, ये 35 करोड़ क्यों नहीं है, या 30 करोड़ क्यों नहीं है, 20 करोड़ क्यों नहीं है? अब जब सबको ही मानना है तो आज अभी तो हमारे भारत में 140 करोड़ मनुष्य है, तो उतना क्यों नहीं है, ये प्रश्न है ना। ये 33 का क्या हिसाब है? इसमें देखिए, हमारे शास्त्र में, हमारे शास्त्र हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का शास्त्र संपूर्णतः व्यवस्थित है, अव्यवस्था की कोई बात ही नहीं। और जहां तक हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हम एक जन्म में पूरा अध्ययन करना भी संभव नहीं, इतने विस्तार है, उसमें कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। अर्थात एक जगह कुछ और कह दिया, दूसरे जगह कुछ और कह दिए, दोनों में आपस में विरोध, फिर ऐसा नहीं दिखता, सबका समन्वय है, ठीक है। अब ये जो विषय में मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि अभी सृष्टि के विषय में हम विचार करते समय, बाकी मनुष्य आदि के बारे में तो 84 लाख योनियां इत्यादि इत्यादि तो है, किंतु देवता और भगवान के बारे में कुछ समय पहले भी कुछ विवाद हुए थे कि कौन भगवान बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कौन देवता बन सकता है। देखिए 33 का जो 33 का जो जो गणना है, ये शास्त्र प्रमाण के अनुसार है, ठीक है। एक शब्द का प्रयोग होता है देवता, और दूसरा शब्द का प्रयोग होता है भगवान, तीसरा शब्द का प्रयोग होता है देवह, देव और देवी, ये चार शब्द प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो 33 है, इसका ऐसा हिसाब है, त्रयत्रिंशत्वेव देवाः त्रयत्रिंशत् हविर्भुजः, ये हमारे जो बृहदारण्यक उपनिषद है, कल हम इसके बारे में कहे थे, बहुत बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के 9वां ब्राह्मण, जिसको शाकल्य ब्राह्मण कहते हैं, वो एक 9वां अध्याय समझ लीजिए, 9वां भाग, उसमें प्रथम मंत्र है, वहां याज्ञवल्क्य ऋषि और शाकल्य ऋषि के बीच में शास्त्रार्थ है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि को शाकल्य ऋषि पूछते हैं, तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो ये बताओ कितने देवता हैं? जैसे आप किसी को अवहेलना करने के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए उनको पूछेंगे, हमारे हिंदू धर्म को जानते हो, हिंदू धर्म में कितने देवता हैं बताओ, जैसा पूछते हैं ना, ऐसे वो पूछ रहे हैं। तो वहां याज्ञवल्क्य बताते हैं त्रयत्रिंशत्वेव देवाः, त्रयत्रिंश मन 33, उतने ही देवता है। ये कैसे, बहुत सारे देवताओं के नाम हम सुनते हैं, 33 तो बहुत कम हो गया। और आगे जोड़ते हैं त्रयत्रिंशत् हविर्भुजः, ये देवता के रूप में 33 ही है, और 33 देवता
हविर भुजह, ये विशेषण है, हविस का भोग करने वाले। अर्थात वेद में चारों वेद के जितने भी कर्मकांड हैं, ठीक है, उन कर्मकांडों में ये 33 देवताओं को भी ही हविस दान होता है। अर्थात इन देवताओं के नाम के आगे ही स्वाहा स्वाहा ऐसा लगता है। जो स्वाहाकार युक्त होता है उसको मीमांसा दर्शन के अनुसार उन्हीं को मंत्र कहते हैं। हमारे अन्य अन्य मंत्र होते हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो वासुदेवा, ये तो मंत्र है, लेकिन कर्मकांड के अनुसार इंद्राय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, ये जो है मंत्र है। तो ये कितने देवताओं के होते हैं? 33 के ही होते हैं, ये पक्का कर लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं। प्रमाण तो एक तो हमने बताया, दूसरा ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, क्योंकि जो उपनिषद कह रहा है कि वेद के अनुसार ही कह रहा है, वहां तीसरे मंडल में एक मंत्र में कहा पत्नी वदत् त्रिंशतम् त्रीश्च देवान्, पत्नी वदत् त्रिंशतम् त्रीश्च देवान्, अर्थात ये 33 और 3 हो गया। और ये 30 और 3 कैसे हैं? पत्नीवत, ये सपत्नी युक्त देवताएं हैं, क्योंकि आपको फिर प्रश्न होगा कि ये देवियां फिर कहां चलेगी। देवियां ये 33 देवता और 33 देवताओं की देवियां भी है, तो वो भी 33 हो गया, सरस्वती लक्ष्मी इत्यादि सब आ जाए। तो ये है देवताओं के हिसाब। अब प्रश्न होता है कि 33 करोड़ कैसे बन गया। तो इसके बीच में ये है कि अभी जो विभूति की चर्चा हो रही है कि 33 देवताओं के जो विशेष शक्तियां हैं जिसको हम अवतार कहते हैं, ठीक है, वे जितने अवतार लेते हैं अनेक शक्तियों के साथ, उनके गणों के साथ जो प्रकट होते हैं अनेक रूप में, ये है एक एक देवता के एक एक करोड़ माना है। हो गया नहीं साहब? तब 33 देवता है, एक एक करोड़, 33 करोड़ उनकी विभूतियां हैं। तो अब ये 33 देवता कौन है, ये तो जानने की इच्छा होगी आपको, अभी जिज्ञासा होगी 33 कौन है इतने विशिष्ट, उनके नाम गिने गए हैं। अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इंद्रश्च प्रजापतिश्च, ये है 33। आपके जितने भी देवता हैं ये सभी इनके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें विष्णु भगवान का भी नाम है, अदिति के पुत्र के आदित्य में विष्णु भगवान का भी नाम आता है, वहां आदित्य का अर्थ है अदिति, कश्यप अदिति के पुत्र, जिसके आप चर्चा आप आज सुन रहे हैं। और एकादश रुद्र, अष्टवसु, इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता, और ये 33 देवता ही हमारे हिंदू धर्म में है, और बाकी सब इनके अवतार है। जैसे विष्णु भगवान के अवतार है दशा अवतार, 24 अवतार, अंशावतार, पूर्णावतार इत्यादि, बहुत विस्तार है। तो ये हो गए देवताओं की बात। अब एक और इसमें विशेषता क्या है कि अब जैसे श्री कृष्ण श्री राम, इनको हम भगवान नाम से कहते हैं, देवता नाम से नहीं कहते, ये ध्यान देना। देव तो कहते हैं, देव तो सामान्य शब्द है, वो सबके लिए प्रयोग होता है, यहां तक राजाओं के लिए भी देव शब्द का प्रयोग होता है, कोई महापुरुष को भी आप देव संबोधन कर सकते हैं, द्योदनवान देव, किंतु देवता शब्द, देव शब्द में स्वार्थ में ताल प्रत्यय करते हैं देवता बनाने का, ये वेद में ही होता है, माने किसी को आप पकड़ के देवता नहीं बना सकते।
तो अब 33 देवता, 33 देवताओं के उनकी पत्नियां और एक एक को विभूति हो, इनके लिए देवता शब्द का प्रयोग कर। किंतु श्री राम, श्री कृष्ण, बलराम आदि जो भी हैं, उनको देवता शब्द से हम नहीं कहते। कारण क्या है? ये भगवान के ही रूप है, भगवान के पूर्ण अवतार है। अजायमानो भी जायमान है, जन्म नहीं लेता, जन्मा है फिर भी प्रकट होते। किंतु सांकेतिक रूप से जैसा हमने पहले कहा, इनके नाम से वेद में स्वाहाकार मंत्र नहीं है। श्री रामाय स्वाहा वेद में मंत्र नहीं मिले, इसलिए 33 के अंतर्गत, देवता के अंतर्गत, स्वाहाकार के अंतर्गत नहीं आते। अब जो है यहां एक बात करनी है, नहीं तो फिर लोग आपको आकांक्षा भी होगी, कब सोचेंगे आप स्वामी जी क्या बोल रही है, तो देवता नहीं है, कैसे देवता नहीं है? इन ये सभी जो अवतार हैं ये भगवान के नाम से पुकारते हैं, इसलिए इनके संबंध में जितने भी आपको वाक्य मिलेंगे विस्तार, उनके जो गुण हैं, उनके स्तुतियां हैं, ये सारे स्मार्तक ग्रंथों में मिलेंगे, आगम ग्रंथों में मिलेंगे, शैव आगम, वैष्णव आगम आदि आदि हैं। वेद में साक्षात इनके लिए मंत्र ऐसा नहीं है। और मंत्र आजकल मंत्र नए बना रहे हैं, ये बहुत गलत है। मंत्र बनाना क्या कि वेद का एक अक्षर में एक मात्रा भी आप नहीं जोड़ सकते, मंत्र बनाना तो बहुत दूर। अभी आप अपने अपने गुरुओं के लिए मंत्र बना रहे हैं, जो भी मंत्र बना रहे हैं उसको मंत्र नहीं कहा, वेद मंत्र नहीं कहा, ठीक है। आप गुरु की प्रार्थना के लिए यदा देवे तदा गुरु, हमारे पास प्रमाण है, उस दृष्टि से आप कर सकते हैं, लेकिन वेद मंत्र नहीं कहना है। वेद में एक मात्रा भी नहीं जोड़ सकते। पाश्चात्यों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उन्होंने कहे कि उनके ये मैंने लेखा है, कहते हैं कि वेद में बहुत सारे जोड़ दिए गए, ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ जोड़ दिए और वेद का असली अर्थ को बिगाड़ दिया, ऐसे ऐसे आपत्ति करते हैं। ये जो कहते हैं ना जितने भी, ये ना वेद के बारे में जानते हैं, ना वेद का इन्होंने अध्ययन किया है, ना वेद में स्वर का नियम जानते हैं, शिक्षा शास्त्र जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वो खाली संस्कृत भाषा को कहीं सुन सुन करके सीखा। अब मैं उनका नाम वगैरह नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां उसका कोई प्रसंग नहीं, आवश्यक नहीं। वेद में आप वाक्य जोड़ना छोड़ो, एक मात्रा भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वेद के शिक्षा ग्रंथ है, शिक्षा ग्रंथों में स्वर का नियम बताया है। पाणिनी सूत्र में वैदिक प्रकरण अलग से है, उसके अनुसार स्वर बनते हैं, स्वर का नियम होता है और स्वर उच्चारण के द्वारा संरक्षित होता है। कहीं भी आप कुछ भी बदल नहीं सकते। यदि आप बदल करके स्वर बिगाड़ के बोलेंगे, स्वर जानने वाला वही रोकेंगे, ये गलत बोला। और मैं एक पंडित जी को जानता हूं, कभी अवसर मिला तो उनको मैं एक बार इधर बुलाऊंगा। ये अभी जीवित पंडितों में जितने को मैं जानता हूं बहुत ही विलक्षण व्यक्ति है, और उनका माने वो जो शाखा ऋग्वेद शाखा के हैं, मंत्र के उच्चारण के बिना केवल अंग भाषा से पूरा मंत्र बोलेंगे और जो सुनते हैं वो भी वो भाषा को जानते हैं, आपस में मंत्र ऐसे उच्चारण करते हैं। ये विद्या पहले से थी, ये नष्ट हो गई। वो इसलिए थी वो विद्या
क्योंकि पहले जमाने में बाहर जाकर के खुले में मंत्र बोल करके करना अभ्यास करना नहीं होता। तो उस समय दो पंडित यदि चल रहे हैं तो उनको आपस में अभ्यास करना है मंत्र का, तो वो स्वर मात्रा दिखाने शुरू कर देंगे, तो उस हिसाब से वो दूसरा करेंगे, तो वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। ये पूर्ण रूप से उन्होंने पूरा सिद्ध किया और उनका बैकग्राउंड सुनकर के आपको और आश्चर्य। वो कभी स्कूल नहीं गए, 12 साल तक तो ऐसे वेद का अध्ययन किया, फिर उसके बाद घर में ही बैठ करके स्कूल की पढ़ाई भी की। उसके बाद में वो IAS पास हो। आप देखिए कैसी कला है, IAS पास हो गए और कुछ मतलब 8 साल पहले तक केंद्र सरकार में बहुत बड़े पद पर डायरेक्टर पद पर काम भी किए। उसके बाद रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट लेकर के अब अपने आप केरल में रहते हैं। और ये जो विद्या है, क्योंकि वो जो शाखा जो उनकी है वो उसमें एक अकेले व्यक्ति वही जीवित है, तो उसको रक्षा करने के लिए उन्होंने पूरे मंत्रों को पूरा रिकॉर्डिंग कराया अभी आज के समय के अनुसार, और जो भी बच्चे मिलते हैं उनको करते हैं। उनका नाम है वासुदेवन नंबूदरी पाठ। बहुत अच्छे व्यक्ति। आप देखिए कि आप उनको पूछिए कि वेद में कुछ जोड़ना संभव है क्या, कुछ तोड़ना संभव है? असंभव है, नहीं हो सकता। जो वेद नहीं जानते वो ऐसे बोलते। इतना पक्का है वो स्वर, इतना नियम पक्का है, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तो अब जो है इसमें नया मंत्र जोड़े, हमारी बात हुई इसी पर हो रही थी, नया मंत्र जोड़े ये बिल्कुल संभव नहीं। इसीलिए जो देवता है, देवता तो उतने ही रहेंगे, वेद मंत्र में जितने हैं उतने ही रहेंगे। अब हम भगवान की बात करते हैं क्योंकि समय हमारा जो शेष है इसको पूरा करेंगे। अब भगवान जो है अनेक हो सकते हैं, यहां तक कोई मनुष्य भी भगवान बन सकता है, भगवान उपाधि उनको मिल सकती है, क्योंकि हमारे यहां श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, जितने भी भगवान हुए हैं मनुष्य के आकार में, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। जो बाकी जो 33 देवता है ना, वो ऐसे नहीं आते, उनकी लीलाएं कुछ अलग होती है। तो अवतार लेते हैं, जो अवतार पुरुष होते हैं, विष्णवे स्वाहा ये मंत्र तो है, लेकिन जो अवतार पुरुष होते हैं उनको भगवान नाम से कहते हैं। भगवान का लक्षण विष्णु पुराण में विस्तार से किया, किसको भगवान कहना चाहिए, ठीक है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सुश्रियः वैराग्यस्य अथमोक्षस्य षण्णा भग इति ईरणा उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान। ये तो दो श्लोक मैंने बोला, और भी 4-5 श्लोक। इतने लक्षण जिस व्यक्ति में आ जाए वो व्यक्ति भगवान नाम से हो सकता है, उनका नाम भगवान हो सकता है, विशेष लग सकता है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य प्राप्त होने, ऐश्वर्य में ये सारे विभूतियां आ गए, सब चमत्कार आ गए, अष्ट ऐश्वर्य आ गए, सब कुछ आ गए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सशस्त्रीय, धर्म के मूर्तिमान भाव होना चाहिए, जैसे राम जी को हम कहते हैं, और यशस उनकी ख्याति। तो धर्मस्य यशसा श्रियः, उस प्रकार की जितनी भी प्राप्तियां हैं सब उनको हो। और इतना ही नहीं, वहां नहीं रुका, भगवान बनने के लिए वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य, वैराग्य भी सिद्ध होना चाहिए,
सब ऐश्वर्य आ गया, सब आ गया तो उसी में रह गया, ऐसा नहीं। चारों पुरुषार्थ के साधन उनके पास नित्य सिद्ध होना चाहिए। वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य, वैराग्य भी हो मोक्ष भी हो, इतना जिसको सिद्ध हो गया। भग ऐसा शब्द से युक्त होता है, भग अस्य अस्ति इति भगवान। इसी प्रकार उत्पत्तिं प्रलयं चैव, ये भूतों की उत्पत्ति, उनके कर्म और उनके कर्मफल, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, धर्म अधर्म, सभी को जो जानता हो और दूसरे को उपदेश देता वे भी भगवान कहना योग्य है। इसलिए जो बड़े बड़े गुरु होते हैं उनको भी हम भगवान शंकराचार्य जी, भगवान रामानुजाचार्य, ऐसे भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कुछ कुछ पंथों में उनके अपने नियम हैं, उनके अनुसार करते हैं, और बाकी को भगवान ये लक्षण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार है। इसका उद्धरण भाष्यकार ने अनेक स्थानों पे दिया, ठीक है। तो ये जो दो विषय है आपके सामने रखा, अब ये जो 33 करोड़ देवता है इनके विषय में भी एक प्रमाण आपको सुना देता हूं। सदारा विबुधा सर्वे स्वानाम स्वानाम गणै सह, सदारा विबुधा सर्वे स्वानाम स्वानाम गणै सह, त्रैलोक्ये तत्त्रयत्रिंशत् कोटि संख्या यथा भव। ये पद्म पुराण में उत्तराखंड में ये वाक्य मिलता है। तो जो मैंने सुनाया आपको वही है उसमें, कि 33 देवताओं के अपने अपनी जो पत्नियां हैं सदारा पत्नियों के साथ, और अपने गण देव जितने भी गण हैं, क्योंकि जैसे शिव जी के गण हैं इसी प्रकार गण हैं, वो गण में ही गणपति आदि जब आते हैं, नंदीश्वर आदि सभी उनके गणों के साथ स्वानाम स्वानाम गणेश सहा, और बाकी जो उनकी शक्तियां हैं कितने कितने रूप में वो प्रकट करते हैं अपने, वो सारे रूप को गिन करके त्रयत्रिंशत् कोटि संख्या, 33 करोड़ संख्या से युक्त हो जाता है। तो ये तो देवताओं की बात, और दूसरी बात हो गई भगवान। तो देवता किसको कहना और भगवान किसको कहना, ये पूरे व्यवस्थित है। न जानने के कारण नए नए देवताओं को बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा किसके लिए हम करते हैं? श्रद्धा की वृद्धि हो, विश्वास दृढ़ हो जाए, और पुरुषार्थ करने में प्रेरणा मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है, इसकी प्रवृत्ति में प्रेरणा मिले, इसके लिए हम साधन करते हैं। और धर्म का ज्ञान होने के बाद अर्थ और काम इसके मध्य में आता है। पहले धर्म का ज्ञान सही होना चाहिए, ये हमारे जो भारतीय धर्म है इसकी आधारशिला धर्म है, ये धर्म क्षेत्र है। यहां धर्म को जब सम्मान मिलेगा, धर्म की परंपरा जब चलेगी, तब ये भारतवर्ष उन्नति को प्राप्त करेगा। क्योंकि यहां जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसके डीएनए में ही धर्म रहता है, उसके बिना वो जन्म ही नहीं ले सकते। इसलिए ये धर्म भूमि है, उसका अर्थ है कर्म भूमि। भूमंडल में और कहीं भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसके ऊपर भी कुछ समय पहले विवाद हो गया था। किसी ने कहा ऐसा आप कैसे कह सकते कि केवल भारतवर्ष में ही, भारतवर्ष को ही कर्म भूमि कहते हैं। भागवत में भी ये शब्द आया, कर्म भूमि शब्द ही आया भारत के, अन्यत्र नहीं हो सकता। वो इसलिए है, उसका बहुत सरल कारण ये है कि
हम उनको नहीं मानते हैं या उनकी निंदा करते हैं, वो भगवान से अलग हैं या भगवान की सृष्टि से अलग हैं या उनके अंदर कोई गुण नहीं है, उन स्थानों में जो जीवन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये इत्यादि अर्थ नहीं है उसका। उसका अर्थ इतना ही है, हमारा कर्म और धर्म का अर्थ वेद विहित है, वैदिक होता है, वेदानुसारी होता है। वेदानुसारी, स्मृति अनुसारी, धर्मानुसारी कर्म होते हैं, और आप कुछ भी करेंगे तो कर्म नहीं होता, ठीक है ना। अब वेदानुसारी कर्म करने के लिए वेद में जो जो कहा हुआ उसी का अनुसार करना पड़ेगा, और उसी का अनुसार करने के लिए जो जो सामग्रियों की आवश्यकता है, जो परिस्थिति की आवश्यकता है, वो भारत में ही है, भारतवर्ष में ही है, यानी अभी के जो भारत नहीं, जो विस्तार से भारतवर्ष मिलेंगे उसमें यह अन्यत्र नहीं मिलता, यह समस्या। और गाय के दूध से दोहन करके दशपूर्ण मास में जो भी चाय करना है, अब गाय वहां नहीं है तो घी कहां से, मक्खन कहां से, अब वहां जो गाय है वो गाय नहीं, हमारे लक्षण से युक्त गाय नहीं है, ये तो साइंटिफिकली सिद्ध किया हुआ है, हम ऐसे नहीं बता रहे, साइंस ने सिद्ध किया है, ये यहाँ के गाय में वहां के गाय में बहुत अंतर है, तो गाय ही नहीं मिलती तो बाकी कैसे आगे करेंगे। तो ये जो जितने भी सामग्री हमको चाहिए, जैसा अभी वृंदावन में ये यज्ञ करना है, जो वेद में कहे हुए जितने भी सामग्री है सारे यहाँ आस पास प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे जाएंगे गांव में कहीं भी आप सारे वो लकड़ी वगैरह जो भी सब मिल जाएगा, लेकिन विदेशों में नहीं मिलेगा, ये समस्या है, इसलिए कर्म भूमि है। अब यहां धर्म की रक्षा से ही सबकी रक्षा हो, धर्मो रक्षति रक्षिता, आज कई बार आपने श्रवण किया, इसलिए ये धर्म भूमि है, यही कर्म भूमि है, यही भगवान के अवतार हुए हैं और यहीं से धर्म का प्रचार किया है, और यहीं से धर्म का प्रचार आप पूरा विश्व में कर सकते हैं, भारत विश्वगुरु बन सकता है, आप विश्वगुरु है, बनना क्या है, पहले से है, वो इसलिए है क्योंकि यहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। बाकी धर्म के दृष्टि से कुछ समझते हैं लेकिन वो धर्म नहीं होता, ठीक है। तो समय हो गया तो आज हम यही रुकते हैं, तो एक विषय और सोचा था मैंने, वो कल हम बताएंगे। ये क्या है, ये जो गिनती की बात अभी चल रही थी उसमें 108 का जो महत्व है, 108 संख्या से लेकर, अब जैसे 33 है इसी प्रकार 108 की भी कुछ अपनी महत्ता है, और उसके साथ शेष दो दिन में फिर हम ये अद्वैत के विषय को ही लेकर के रास पंचाध्याय का थोड़ा विचार करेंगे। तो कैसे ये अभी, इसलिए हमने सृष्टि को बताया, अभी प्रसंग भी वही चल रहे हैं, कल भगवान का अवतार भी हो जाएगा, तो उसी को लेके हम आगे कल विचार करेंगे। नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओ नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से आप जो कथा आदि प्रसंगों के जो भागवत महापुराण में श्रवण करते हैं उसी के सूत्रों के आधार पर उपनिषदों से वेदों की श्रुतियों से वो उसका प्रतिपादन करते हुए बहुत ही गंभीर विवेचना बहुत सरल शब्दों में पूज्य श्री स्वामी जी कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है, कथा तो हमें बार बार मिल जाती है पर यह समीक्षा और ऐसा दिव्य सत्संग हर समय आपको सुलभ नहीं हो सकेगा, इसलिए अपने इष्ट मित्रों को जो आए हुए हैं उनको एक घंटे के लिए उस इन गंभीर विषयों की विवेचना और समीक्षा और उनके विषय में चिंतन करने का ये सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है स्वामी जी।